morning, dear students. Say good morning, ma'am. How are you all? Say, I am fine, ma'am. Good. चलिए, हमने जीरो का टेबल किया था फाइव तक. बच्चों, जीरो के टेबल का एक टिप है कि आंसर इज ऑलवेज जीरो. जब हम जीरो का टेबल करते हैं, हमेशा आंसर क्या आता है? जीरो. तो कैसे लिखते हैं हम टेबल्स, वो हम आपको बताते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो किंग होता है, किंग हम उसको बोलते हैं कौन, कोई भी टेबल हम लिख रहे हैं. अगर हम यहाँ वन का टेबल स्टार्ट करेंगे तो वो टेबल का किंग होता है. तो मतलब फर्स्ट रो में हमेशा वो ही लिखा जाता है. जैसे अब जीरो का टेबल है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? जीरो. साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट? इसको आपने कैपिटल ए बी सी में, जो आप एक्स लिखते हो, एक्स फॉर एक्स रे, वो वाला, राइट? लेकिन ये साइन किसका होता है? मल्टीप्लीकेशन का. जीरो, फिर जीरो जीरो द, और ये है हमारा साइन ऑफ इज इक्वल टू जीरो जीरो द जीरो. कभी भी हम जीरो का टेबल लिखते हैं तो आंसर इज ऑलवेज जीरो. तो चलिए अब हम अपना टेबल रिवाइज करते हैं. जीरो जीरो द जीरो, जीरो वन द जीरो, जीरो टू द जीरो, जीरो थ्री द जीरो, जीरो फोर द जीरो, जीरो फाइव द जीरो, जीरो सिक्स द जीरो, जीरो सेवन द जीरो, जीरो एट द जीरो, जीरो नाइन द जीरो, जीरो टेन द जीरो. अब आपको मैं एक और टिप देती हूँ. ये तो हो गया कि हमारा जो किंग है, किंग होता है जिस भी चीज का, जो टेबल है वो हमेशा वहां आएगा. देन साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आप छोटे हो, आपको मैं बता दूं स्टार्ट हुआ है तो ये जो हमारी कैपिटल ए बी सी का एक्स होता है वो आएगा. यहाँ पर हमारी काउंटिंग चलेगी सीरीज के अकॉर्डिंग, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. इस रो में हमारा इज इक्वल टू का हमेशा साइन चलेगा और यहाँ हमारा हमेशा आंसर आएगा. तो जीरो के टेबल में मैंने आपको टिप दिया है, आंसर इज ऑलवेज जीरो. तो बच्चों, आपने हॉलीडेज में इसको लर्न करना है. और एक टिप दे रही हूँ कि डेली हैंडराइटिंग पेज लिखिए, तभी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी. जो कॉन्सेप्ट टीचर्स देंगी उनको ज़रूर लर्न करना, राइट? तो चलिए, आई होप आपको जीरो का टेबल आ जाएगा, राइट? तो डू प्रैक्टिस एट होम. बाय बाय, टेक केयर.